सब्सक्राइब करें माय आर्ट चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको नेक डिजाइन बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें बुकरम की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे कुर्ती के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। हम इसकी चौड़ाई 3 इंच रखेंगे, लेकिन इससे थोड़ा कम पर हम इसका निशान लगाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा हमारा सिलाई में जाएगा। तो करीब 2.5 इंच हम इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं चौड़ाई का। और अब हम इसकी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई हम 7.5 इंच रखेंगे और यहाँ पर भी 1.75 इंच का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। और इसके बाद देखिए, हम इसको थोड़ी वी शेप देंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए, इस तरह से कटिंग करने के बाद हम एक कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से इस तरह से फोल्ड करते हैं। और देखिए, उसको इस तरह से हम रखते हैं। ये जो हमारी बंद साइड है और कपड़े की बंद साइड, बिल्कुल इनको इस तरह से आपस में मिलाएंगे। ये कपड़ा हमारा हमारे गले से देखिए इतना बड़ा होना चाहिए कम से कम। देखिए इस साइड भी, और देखिए जहाँ तक हमारा गला है उससे थोड़ा ये नीचे तक होना चाहिए इस तरह से। और ये देखिए, आपस में बंद साइड बिल्कुल इस तरह से हमें मिलानी है, एक दूसरे के ऊपर रखनी है। और इसके बाद जिस तरह से हमारे गले की कटिंग है उसी शेप में हमें यहाँ पर निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद जितनी हमारी यहाँ से गले की चौड़ाई है, करीब 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच पर इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम दोनों निशानों के ऊपर से कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हमने जो पट्टी काटी है इसको हम देखिए इस तरह से रखेंगे। ये कॉर्नर आपस में इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से इस पट्टी को हम सीधी साइड रखेंगे और सीधी साइड इस तरह से पट्टी रखने के बाद हम इस पर यहाँ पर इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसको चारों तरफ से बराबर बराबर दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और हमें ना पट्टी को खींचना है और ना अपनी कुर्ती को खींचना है। गले के बीच में यहाँ तक आने के बाद हम अपनी मशीन को इस तरह से उठाते हैं और फिर दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। और आप चाहें तो ये गला बुकरम के ऊपर भी बना सकते हैं। ये पट्टी इस तरह से लगाने के बाद हम देखिए इसको इस तरह से पूरे गले को पहले हम इस तरह से कर लेंगे। और इसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस कर लें। इस तरह से इस पट्टी को पलटने के बाद हम इसको देखिए इस तरह से अंदर को मोड़ते हैं और चारों तरफ से हम इसको बराबर मोड़ेंगे और यहाँ पर हम इसके सिलाई लगाएंगे। और अगर आपको ऐसे बनाने में दिक्कत हो रही है तो बेटर होगा आप बुकरम के ऊपर बना लें। ये हमारे गले के बीच का हिस्सा है। यहाँ पर आने से थोड़ा सा पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, फिर इस तरह से फोल्ड करते हैं और तब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम अपने गले को बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में यहाँ पर एक निशान लगाते हैं इस तरह से। और इसके बाद देखिए, हम दो और एक पट्टी काटते हैं और आप अपनी मैचिंग का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। और इस और एक पट्टी की चौड़ाई
ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच होनी चाहिए। पहले ये ओरे पट्टी हम इस साइड लगाएंगे और आप इस ओरे पट्टी को ऊपर से भी लगानी शुरू कर सकते हैं और यहाँ से भी। तो देखिए हमने ये जो बीच में निशान लगाया है इससे थोड़ा सा आगे तक हमें ये ओरे पट्टी लगानी है इस तरह से। पहले हम यहाँ पर इस तरह से इसको एक साइड से फोल्ड करते हुए गले के ऊपर इस तरह से ऊपर तक ये ओरे पट्टी लगाएंगे। देखिए ये ओरे पट्टी हमने इस निशान से थोड़ा आगे तक रखी हुई है और सिलाई हम यहीं से शुरू करेंगे, यानी जो हमारे गले के बीच का हिस्सा है इसको थोड़ा थोड़ा अंदर मोड़ते हुए गले के बिल्कुल किनारे पर इस तरह से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। देखिए ये ओरे पट्टी हमें इस तरह से लगानी है और इसको लगाने के बाद आप इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए हम ऐसे सीधी सीधी पट्टियाँ काटते हैं और इस पट्टी की चौड़ाई भी मैंने 1.5 इंच रखी हुई है। और इसके बाद इसमें से हम इस तरह से चकोर चकोर पीस काटते हैं। और इसके बाद देखिए हमने ये जो चकोर पीस काटे हैं इनको हम पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। और हमारी ये जो पट्टी है हम पहले इसको इस तरह से मोड़ते हैं थोड़ा सा अंदर, और जितना हमारा तीरे की सिलाई में जाएगा इतनी जगह छोड़ के हम इस तरह से ये पीस इस डिज़ाइन में बना के इस तरह से अंदर रखते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। और आपको इससे पहले गले के ऊपर पीछे तुरपाई कर लेनी है तब ये डिज़ाइन बनाना है। देखिए ये पीस हमें इस तरह से रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। और देखिए बराबर बराबर दूरी पर हमें पीस लगाने हैं। देखिए ये डिज़ाइन हमें इस तरह से बनाना है और इसको बनाने के बाद ये हमारा देखिए गले का बीच का हिस्सा है, यहाँ से हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे। इस तरह से इतनी दूरी तक निशान लगाने के बाद हम यहाँ से आप 6 इंच पर भी ये निशान लगा सकते हैं और 7 इंच पर भी इस तरह से बिल्कुल सीधा एक निशान लगाएंगे। इस निशान को सेंटर मानते हुए इसी के हिसाब से हम ये निशान लगाएंगे। और इसके बाद देखिए हम चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा काट देते हैं। और अब हम दूसरी ओर एक पट्टी लेंगे और उसको इसी तरह से यहाँ पर बिल्कुल गले के इस तरह से कोने पर लगाते हुए इस तरह से हम इसको लगाएंगे, इस तरह से मोड़ते हुए और इस निशान पर लाके तब हम इसको इस तरह से सीधे लगाएंगे। और इस पट्टी को हमें खींचना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए जब हम यहाँ पर आएंगे इससे थोड़ी पहले हम इस तरह से इसमें यहाँ पर देखिए एक इस तरह से प्लेट सी डालते हैं ताकि यहाँ पर हमारा एक कॉर्नर बन जाए इस तरह से, ऐसे तब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए जो हमने सीधी लाइन खींची हुई है जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो जो हमारे यहाँ पर कॉर्नर है यहाँ पर हमें एक डोरी लगानी है। तो ये डोरी आप बाज़ार की भी लगा सकते हैं, कपड़े की भी लगा सकते हैं। और देखिए मैंने धागे से बनाई हुई है, आप इस तरह की डोरी भी लगा सकते हैं और आप अलग अलग दो डोरी भी बना सकते हैं। और एक डोरी को आप इस तरह से बीच में से फोल्ड करके यहाँ इसके बीच में इस तरह से रखिए। देखिए और तब इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है।
जहाँ तक हमारी लाइन है उससे थोड़ा सा पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे इस पट्टी को, और तब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद देखिए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इस पट्टी की चौड़ाई भी हमें इतनी रखनी है जितनी हमारी इस पट्टी की चौड़ाई है। और इसके बाद हम उसी तरह से ये चकोर पीस लेंगे और सेम तरीके से हम इनको फोल्ड करेंगे इस तरह से, और हम देखिए इस पीस को इस तरह से इसके नीचे रखेंगे यहाँ पर, और तब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, और इसी तरह से ये पीस हम इस साइड भी लगाते जाएंगे, और इसी तरह से इस साइड भी हमें ये डिज़ाइन बनाना है इसी तरह से। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पर हमें इस पट्टी को पहले इस तरह से फोल्ड करना है अंदर को, फिर देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, और फिर यहाँ पर इस तरह से हमें अंदर अपना ये डिज़ाइन लगाना है इस कॉर्नर पर इस तरह से लगा के, तब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पर ये डिज़ाइन लगाने के बाद हम देखिए इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, और फिर वापस इसको इसी जगह पर ले आएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा गला तैयार हो गया है। और अगर आपको ये डोरी बनानी नहीं आती है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। One.